गुरु सिंह सभा चुनाव को लेकर इंदौर में चल रही तनातनी के बीच अब एक पैनल ने दूसरे पैनल के उम्मीदवारों का गुड़बाड़ी टेस्ट कराने की मांग की है, लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं। न तो प्रशासन और न ही चुनाव अधिकारी इसके लिए राजी हैं। ऐसा ही मामला 2021 में दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव में सामने आया था, जब गुरबाणी टेस्ट में फेल होने के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। तब दिल्ली के गुरुद्वारा चुनाव निदेशक ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा की उम्मीदवारी को खारिज करते हुए कहा कि सिरसा सही से गुरबाणी नहीं पढ़ पाए और गुरुमुखी भी सही तरीके से नहीं लिख पाए, और ये विवाद बहुत लंबा चला, कोर्ट तक भी गया। वहीं अब इंदौर में भी श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव को लेकर ऐसा ही विवाद सामने आया है। यहाँ विभिन्न विवादों के कारण 3 बार चुनाव टाले जा चुके हैं। यहाँ खालसा फतेह पैनल के उम्मीदवार हरपाल उर्फ मोनू सिंह भाटिया और खंडा पैनल के मंजीत सिंह उर्फ रिंकू भाटिया के बीच आमने सामने की लड़ाई सामने आई है। बता दें कि रिंकू भाटिया ने मोनू भाटिया के गुरबाणी टेस्ट कराने की मांग की थी, और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मोनू की दांतों का टेस्ट भी कराया जाए, क्योंकि गुटखा खाने से उनके दांत खराब है। दरअसल गुरु सिंह सभा के नियमों के अनुसार गुटखा खाना प्रतिबंधित है, और उम्मीदवार को गुरबाणी व गुरुमुखी का ज्ञान जरूरी है। इंदौर में जो सिख समाज के चुनाव हो रहे हैं, उसमें चुनाव में पहले तो सब जो लड़ रहे हैं पूरन गुरसिख होने चाहिए, अमृतधारी होने चाहिए, जिनको पंजाबी लिखना पढ़ना आनी चाहिए, गुटखा ना खाता हो, तम्बाकू ना खाता हो, किसी तरह का कोई नशा ना करता हो। ये चीज़ें सब हमारे बायलॉज में हैं, हमारे अकाल तख्त साहब से हुक्म है कि जो ये प्रक्रिया में आते हैं वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। जो ये दारू पीते हैं या कोई भी नशा करते हैं, तम्बाकू खाते हैं, वो ये इस कैटेगरी में आते नहीं है कि वो चुनाव के पात्र कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो पहले बात तो ये है कि गुरु सिंह सभा जिस जगह पे मौजूद है, आज हमारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, गुरु नानक देव जी की शोभा प्राप्त है, और जिसमें अकाल तख्त साहब का अब एक जो उन्होंने हमारे को नियम हमारे को बताया है, जो हमारा बायलॉज है, वो यही कहता है कि जो भी इस गुरु सिंह सभा की सेवा में आएंगे उनको सबसे पहले अमृतधारी होना जरूरी है, गुरु की मर्यादा उनको पता होनी चाहिए, मर्यादा में रहना बहना उनका जो भी है मर्यादा के अकॉर्डिंग होना चाहिए, गुरुमुखी पढ़ना लिखना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जो दूसरी चीज़ें हैं समाज के हित के लिए, जो समाज की बात को सुने, पूरे समाज को साथ में लेके चले, ये सब चीज़ें। हाँ, तंबाकू है, गुटखा है, उसका सेवन के लिए रोक लगी हुई है, वो भी नहीं, जो हमारे अकाल तख्त साहब का जो हुक्म है उसके अकॉर्डिंग यही है कि आप नशे से बिल्कुल उसके नशे के पास में नहीं खड़े होंगे, नशे का सेवन नहीं करेंगे, अमृतधारी सिख होना जरूरी है, जो मर्यादा है गुरमुखी पढ़ना लिखना ये सब चीज़ें उस बायलॉज के अंदर इंक्लूड है। चुनाव अधिकारी द्वारा 6 अक्टूबर को मतदान के लिए श्री गुरु सिंह सभा के सिख समाज को कहा गया था कि 6 अक्टूबर को चुनाव होंगे, लेकिन 6 अक्टूबर को चुनाव ना हो करके आगे बढ़ गए। मैं माननीय कलेक्टर साहब से ये निवेदन करने आया था कि चुनाव प्रक्रिया को आप अपने हाथ में ले करके और चुनाव कराइए, क्योंकि हम चुनाव के लिए कमिटेड हैं, और जो मतदाता सूची है उसको सही तरीके से प्रकाशित करवाएं और एक मुकम्मल डेट पे समाज का चुनाव संपन्न हो सके संपूर्ण तरीके से, ये मैं उनसे निवेदन करने आया था। क्योंकि संगत बार बार भ्रमित हो रही है कि भई चुनाव श्री गुरु सिंह सभा इंदौर आगे बढ़ा रही है, जबकि चुनाव अधिकारी अकाल तख्त साहब से नियुक्त हुए हैं और ये चुनाव कराना उनकी जिम्मेदारी है। जो इलेक्शन ऑफिसर हैं उनको उनकी तरफ से डिसाइड होना है, हालांकि उसमें कुछ सूची को लेके और अन्य कुछ विषयों को लेके आपत्तियां उठाई जा रही हैं। इसमें जो भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं और जो प्रक्रिया है इलेक्शन की, फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग इंश्योर कराएंगे,
जो हम लोगों का लुकआउट है कि पूरी तरीके से शांतिपूर्वक इस प्रकार के चुनाव होना चाहिए, किसी तरीके की लॉन्ड ऑर्डर जैसी सिचुएशन नहीं बननी चाहिए जो हमारे तरफ से।